आपने काफी 3-4 पोस्ट उसके बारे में एंड मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक आर्टिकल मैंने पढ़ा उसमें लिखा था कि रिजेक्टेड अनुपमा जी। देखो एक वो अनुपमा वाली जो खबर है वो बहुत पुरानी है, सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। व्हाई डू यू थिंक दैट अनुपमा रूमर्स आर कमिंग आउट? आपको क्या लगता है उसके पीछे कुछ एनी स्पेसिफिक रीजन? या बिकॉज राइट नाउ पारस इज इन लाइमलाइट, सो पीपल एंड आई वाज इन अ रिलेशनशिप विद हिम, सो पीपल वांट टू नो मोर अबाउट दैट पास्ट एंड दैट्स व्हाई। ओके, लास्ट क्वेश्चन पारस अबाउट इट, बिकॉज़ काफी सारी चर्चा हुई है उनके उनके शो से निकलने के बाद काफी सारी चर्चा हुई है, आप क्या कहना चाहोगे उस पे? I mean, I think he knows what's best for him. He's an adult, I feel, maybe. Yeah, so he can, जो भी decision लिया होगा सोच समझ के लिया। क्या आपकी बात हुई उनसे इन दौरान अनुपमा शो के बारे में? आपने उनसे बात की? अभी, recently? अभी recently. No, his girlfriend doesn't like him. आजकल मैं एयरपोर्ट नहीं जा रही ना, तो अनुज को लगा कि मैं क्या करूँ। हाँ, अब अपनी जॉब छोड़ देगा। मैडम जी चुकले उर्मी मैम मैम बैग तो थोड़ा सा घूम जाइए ना मैम। बैक टू फ्रंट मैडम, कोई बर्गर खाएगा सबके लिए बर्गर नहीं, मैं तो बहुत सोच सकती हूं। थोड़ा तो घूम जाइए ना। अभिषेक यार पोस्ट वाले नकली तो नहीं है? चलो बाइट कर लो। वेट वेट वेट, रोई बात रुक जाओ, नहीं नहीं इधर ही बाइट कर ले। अरे छाव में दुर्गेश खत्म मैटर खत्म, चलो इधर ही आ जाओ, चल इधर आ दुर्गेश, रुक जाओ रे, घूम लेना मेरा उधर से। अगर खा ले तो मेरे को मना किया, अरे मोला हंसी मत कर, ये आगे मत आओ, बाद में बाद में। ए दुर्गेश भाई, ए ये मत बना इधर, उसको खड़े रहो, बैन लेना सिद्धार्थ, वेज नहीं नहीं मैं मटन चिकन भी खाती हूँ, पर बर्गर वर्गर है। अरे मोबाइल कितना है? ओके एक सेकंड, अरे रुक जा यार, कौन दूर हो जा, अरे दूर हो जा भाई।